नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए एक और कथा व रोचक जानकारी को लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी देवी देवता स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह हमारी वीडियो के माध्यम से बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपने धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर की कथा को लेकर आई हूँ। कहा जाता है कि इस गुफा में छिपा है दुनिया के खत्म होने का राज। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी इस कथा व रोचक जानकारी की ओर। भारत के साथ साथ दुनिया भर में अनेकों ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जो लोगों के लिए आज भी हैरानी का विषय बनी हुई है। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का राज भी छिपा हुआ है। यह मंदिर रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। आपको बता दें, समुद्र तल से 90 फीट नीचे इस मंदिर के अंदर जाने के लिए बेहद ही पतले रास्ते से जाना पड़ता है। चलिए आगे हम आपको मंदिर से जुड़ी दिलचस्प जानकारियों के बारे में बताना चाहते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाले राजा ऋतुपर्णा पहले व्यक्ति थे। अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई, और फिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ निकाला गया, जहां वह इस गुफा के पास भगवान की पूजा करते थे। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि खुद महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी यहां पूजा करने आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जहां उन्होंने यहां तांबे के शिवलिंग को स्थापित किया था। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां इंसान के रूप में गणेश पूजा की जाती है। ऐसी भी कई कहानियां सामने आती हैं। इस मंदिर में जाने से पहले मेजर समीप कटवाल के मेमोरियल से होकर जाना पड़ता है। कुछ दूरी तक चलने के बाद ग्रिल गेट आपको दिखाई देता है, जहां से पाताल भुवनेश्वर मंदिर की शुरुआत होती है। यह गुफा 90 फीट नीचे है, जहां बेहद ही पतले रास्ते से होकर इस मंदिर तक प्रवेश किया जाता है। जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहां की चट्टानों की कलाकृति हाथी जैसी दिखाई देगी। फिर आपको चट्टानों की कलाकृति देखने को मिलेगी, जो नागों के राजा अधिशेष को दर्शाती है। ऐसा कहा जाता है कि शेष नाग ने अपने सिर पर दुनिया का भार संभाला हुआ है। पौराणिक कथाओं के आधार पर इस मंदिर में 4 द्वार मौजूद हैं, जो रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी, तब पाप द्वार बंद हो गया था। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद रण द्वार को भी बंद कर दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में भगवान गणेश के कटे हुए सिर को स्थापित किया गया है। यहाँ मौजूद गणेश मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। इस गुफा में 4 खंबे हैं, जो 4 युगों अर्थात सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें पहले 3 आकारों के खंबों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कलयुग का खंबा लंबाई में ज्यादा है। इस गुफा को लेकर एक और खास बात यह भी है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब ये शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा, तब दुनिया खत्म हो जाएगी।
गुफा में एक साथ चार धामों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता यहाँ पे माना जाता है कि गुफा में एक साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि इस गुफा में मौजूद पत्थर से पता लग सकता है कि दुनिया का अंत कब होगा। अगर आप रोमांच और धार्मिक प्रेमी हैं, तो अच्छा होगा कि आप इस मंदिर के दर्शन को समय निकाल के अवश्य करें। उत्तराखंड में इस रहस्यमय गुफा की यात्रा करने के लिए मानसून का समय बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। आप यहाँ मार्च से जून के बीच दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगर आपको ठंड में घूमना बेहद पसंद है, तो ठंड में भी आप अक्टूबर से फरवरी के महीने में यहाँ की यात्रा को कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाजत। धन्यवाद दोस्तों।